ब्लैक मांबा नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज अगर आपको इस सांप के बारे में पता चलेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सांप मंडराने लगेगा। और हम यह सब हवाबाजी में नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ये सांप इतना ज्यादा जहरीला है कि इसके जहर की केवल दो बूंद आपको मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी ये अपने शिकार को केवल एक बार नहीं काटता, बल्कि लगातार वार करता जाता है। और इसके वार करने की स्पीड इलेक्ट्रिक करंट से भी ज्यादा तेज होती है, जो इंसान के शरीर के अंदर जाते ही उसे जिंदगी और मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप इस सांप से कैसे बच सकते हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ये सांप काट ले तो आप जिंदा कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें, क्योंकि इस छोटे से चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हर दिन आती रहती है। दोस्तों, मान लीजिए आप अफ्रीका में सवारी के लिए निकले हैं, लेकिन आपकी मुलाकात उस सांप से हो जाती है जिसको देखकर आधे से ज्यादा लोग तो बेहोश हो जाते हैं, तो बताइए आपका क्या हाल होगा। सुनने में ये चीज जितनी डरावनी है, आपको उतनी ही हिम्मत बांध कर रखनी है और इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि केवल अफ्रीका ही नहीं, कई बार भारत में भी ब्लैक मांबा पाए जाने की बात कही जाती है, इसलिए खतरा आपके ऊपर भी है। इस खतरे से बचने के लिए आपको हर वो चीज करनी है जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, वरना अफ्रीका के इस जहरीले सांप के प्रकोप से कोई नहीं बच पाता। और अगर आपने लापरवाही दिखाई तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले ये ब्लैक मांबा एक एवरेज ह्यूमन की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ते हैं, जहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक नहीं पकड़ पाते। 2.4 मीटर की लंबाई वाले ये सांप कई बार 4.3 मीटर की लंबाई तक पहुँच जाते हैं। और अगर आप अपनी मजेदार अफ्रीकन ट्रिप में एडवेंचर करने जा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से सही सलामत जिंदा लौट कर आना है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है। सबसे पहले, ये सांप अकेले हैं या फिर ग्रुप में घूम रहे हैं, और आप ब्लैक मांबा के जहर से कितनी जल्दी मर सकते हैं। आप सोच रहे हैं भला हम ये कैसे जान सकते हैं, तो दोस्तों कुछ लोग सांप के जहर से बाद में मरते हैं और पहले डर से मर जाते हैं कि उन्हें सांप ने काट लिया है, और ऐसा वाकई में होता है। अब यह कैसे होता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर क्या आप जानते हैं 2017 में केन्या की एक महिला के ऊपर ब्लैक मांबा ने हमला कर दिया था। वो अपने आप को बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश करती रही, पर ब्लैक मांबा लगातार उसे अपना शिकार बनाने में तुला हुआ था। 3 बार लगातार उस महिला को काटने के बाद ब्लैक मांबा को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन वो महिला इतने अधिक जहर की वजह से तुरंत बेहोश हो गई थी। हालांकि खुशकिस्मती से उस महिला के साथ जो मेडिकल टीम थी उनके पास एंटीवेनम था, इसलिए तुरंत महिला को एंटीवेनम दे दिया गया और उसकी जान बचा ली गई। और अगर उस टाइम आपके पास एंटीवेनम ना हो तो आप खुद को ब्लैक मांबा के अटैक से कैसे बचा सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प है। इसके पहले आप जब कभी भी इस तरह के जंगल में घूमने जाएं तो खुद को इस तरह पैक करके जाएं कि सांप का जहर इतनी जल्दी आपके शरीर में नहीं पहुंच पाए। पर उसके लिए तो आपको सबसे पहले पूरे कपड़े पहनने होंगे, यानी कि पेंट या जींस वगैरह, जो आपके शरीर को पूरी तरह से कवर कर दे। और इसके अलावा ऊपर शर्ट या जैकेट पहने जो फुल हो, यानी कि आपकी बॉडी पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप जंगल में एडवेंचर करने जा रहे हैं, ना कि आप गोवा के बीच में धूप सेकने नहीं जा रहे हो, जो आप कच्चा बनियान पहनकर घूमोगे। साथ ही साथ शूज पहनना बिल्कुल भी न भूलें। अब आप तो अपनी तरफ से तैयार हो गए, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखना होगा, वो फिर चाहे जंगली जानवरों से हो या ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांपों से, वरना अगर आप तफरीबाजी में इन्हें छेड़ने पहुंच गए तो यकीन मानिए ये आपको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। जहां ब्लैक मांबा के जहर का दो बूंद ही 20 मिनट में आपको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता है, ऐसे में अगर आप जंगली इलाकों में घास फूस के आसपास चल रहे हैं तो ये याद रखना कि ब्लैक मांबा वहाँ हो सकता है, इसलिए जब कभी भी आपको हल्की सी आवाज सुनाई दे तो आप वहाँ से चुपचाप भाग जाइएगा, क्योंकि इनसे लड़ाई करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। और अगर ये सांप खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा है तो इसे चुपचाप भागने दें। और हाँ, नौटंकीबाजी में ये सांप कुछ कम नहीं है, जो अक्सर अपने शरीर को अकड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी मौत हो गई है। ऐसे में अगर कोई सांप इस तरह दिखाई दे तो उसके पास जाने की हिम्मत
बिल्कुल भी मत करना, वरना मौका पाते ही कब यह सांप आपके ऊपर टूट पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली बात यह है कि आपको ब्लैक मांबा के छुपने की जगह पता होनी चाहिए। असल में ये खतरनाक सांप थोड़े से शर्मिले किस्म के होते हैं, इसलिए इन्हें लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, यह हमेशा अपने आप को छुपा कर रखने में खुश रहते हैं, और इन्हें यह भी नहीं पसंद कि कोई इन्हें परेशान करने आ जाए, जिसके चक्कर में अधिकतर सांप पत्थरों के बीच आराम करते हुए मिल जाएंगे या फिर पेड़ वगैरह की लकड़ियों के अंदर खाली जगहों में छुप कर रहना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ गुफा और इसी तरह की खाली जगह इन्हें काफी पसंद है, तो आप जब कभी भी इस तरह के इलाकों से जाएं जहां ब्लैक मांबा आसानी से छुप कर रह सकता है, तो उस जगह के आसपास भी ना जाएं। लेकिन आपके लिए एक एडवांटेज जरूर है कि वे सांप दिन के समय शिकार करते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से देखें और परख सकते हैं, क्योंकि जंगल में तो आपको तमाम सांप मिल जाएंगे, पर जब बात ब्लैक मांबा की होती है तो इनके मुंह के अंदर का हिस्सा ब्लू और ब्लैक होता है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो ब्राउनिश होती है, जिसमें आपको ग्रे कलर की थोड़ी छाप देखने को मिलेगी। अगर ऐसा कोई सांप आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो ब्लैक मांबा ही होगा, जिससे बचने की आपको हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अपने कपड़ों को ढंग से पहनने के साथ साथ खुद को इनसे दूर रखने के अलावा इनके तमाम छुपने वाली जगहों से भी दूर रहना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इन सब चीजों को अपनाने के बावजूद अगर आपको ब्लैक मांबा ने काट लिया है तो सबसे पहले पैनिक होना बंद कीजिए। अक्सर लोग घबराना शुरू कर देते हैं, जिस कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जहर खून में मिक्स होकर बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। इस चीज से बचने के लिए आप अपने आप को जितना शांत रखोगे उतना ही अच्छा होगा। हालांकि शांत रखने के लिए आपको पानी या किसी भी खाने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लंबी लंबी सांसें छोड़कर अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगर ब्लैक मांबा किसी और को भी शिकार बना लेता है तो आप उसे शांत रहने के लिए कहिए और उसके शरीर के जितने भी टाइट कपड़े हैं उन सबको निकाल दें। उसका शरीर पूरी तरीके से हल्का हो जाना चाहिए, वरना अगर कहीं पर भी ब्लड रुक गया तो जहर उस जगह को बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर देगा, यहाँ तक कि शरीर के उस हिस्से को काटना भी पड़ सकता है। अपने आप को शांत रखते हुए बिना घबराए डॉक्टर के पास आपको 20 मिनट के अंदर पहुँच जाना है। जी हाँ, 20 मिनट टाइम भले ही आपको कम लगे, लेकिन इस टाइम के बारे में आपको तब सोचना चाहिए जब आप ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांप के संपर्क में आए थे। इसलिए ये याद रखना है कि ब्लैक मांबा के जहर का एंटीडोज हमेशा अपने साथ रखना है या फिर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना है, वरना 20 मिनट के बाद ये जहर आपके शरीर में इतना भयानक तरीके से फैल जाएगा कि एंटीडोज भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जा रहे हैं तो आप अपने साथ इस खतरनाक सांप के जहर का तोड़ भी लेकर जाएंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो माफ कीजिएगा, उससे ज्यादा बेवकूफ शायद ही कोई होगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।